रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। 6 से 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों के चयन के लिए हमीरपुर के बचत भवन में ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस मौके पर DPRO हमीरपुर की अगुवाई में निर्णायक मंडल ने सभी अभ्यर्थियों के हुनर को देखा। 6 से 7 दिसंबर को आयोजित होने वाला हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों के चयन के लिए हमीरपुर की बचत भवन में ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस मौके पर DPRO हमीरपुर की अगुवाई में निर्णायक मंडल ने सभी अभ्यर्थियों के हुनर को परखा। DPRO हिम्मत ने बताया कि हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 2 दिनों तक ऑडिशन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 200 से अधिक आवेदन कलाकारों के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें लाइव ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। जैसा कि हम सभी को विदित है, आगामी 6 और 7 दिसंबर को यहाँ राज्य स्तरीय हमीर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और उसमें जो सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं उसमें हमीरपुर जिला से संबंधित जितने भी हमारे लोक कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं और जो अन्य नाट्य दल हैं, उन्हें मौका प्रदान करने के लिए यहाँ पे ऑडिशन का आयोजन किया गया है। इस ऑडिशन के माध्यम से उनका चयन जो है वो सांस्कृतिक संध्याओं के लिए किया जा रहा है। तो आज से ऑडिशन यहाँ बचत भवन में माननीय उपायुक्त एवं विधायक समिति के हमारे अध्यक्ष श्री हरिकेश मीणा जी के दिशा निर्देशानुसार यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, और इसके उपरांत जो यहाँ से चयनित हमारे उभरते हुए स्थानीय कलाकार होंगे उन्हें 6 और 7 परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। अभी तक हमारे पास लगभग 200 आवेदन यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। 2 दिन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं ऑडिशन के लिए। कुछ ऑडिशन आज होंगे और जो शेष कलाकार होंगे उनके ऑडिशन कल होंगे।